हाय फ्रेंड्स, आपंको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ त्रिंगुसा चैनल। फ्रेंड्स, ए क्लास रे हमें पढ़ा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय पढ़ा केउटा केउ देशर आसी विषय पढ़ा जमीती कि सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी रूल्स ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी जुडिशियल रिव्यू अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर रो कॉन्स्टिट्यूशन आसी ए बोली समस्त विषय आम पढ़ा। मोट आम कॉन्स्टिट्यूशन रे 11 टी सोर्स रु निया जाय छि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे एवं एते मध्य रे 10 टी देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु निया जाय छि एवं गोटे एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु निया जाय छि। एहा विषय आम एही क्लास रे पढ़ा। आपनको सिलेबस रे एहा दे नथाय किंतु नसि ताले एथिरु क्वेश्चन आसीथाय। तेणु प्रथमे देखबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन निया जाय छि आम कॉन्स्टिट्यूशन रे। फेडरल स्कीम को निया जाय छि। फेडरल स्कीम माने कौन आम देश भितर स्टेट रहिबे, डिस्ट्रिक्ट रहिबे, लोकल बॉडीज रहिबे एवं समस्त प्रोविंसेस रहिबे। एहा कहजे फेडरल स्कीम। एहा सिचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु। तापर नेक्स्ट होउचे ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। प्रति राज्य रे गोटे गोटे गवर्नर कर ऑफिस रहिबो ता आसीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु। एवं एहा विषय आम कॉन्स्टिट्यूशन रो 153 आर्टिकल रे लिखा हिचि। तापर नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसी कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियरी। जमीती कि जुडिशियरी कहले हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट अच्छी जमीती ता आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु। एमरजेंसी प्रोविजन। एमरजेंसी आम कॉन्स्टिट्यूशन रे तीन प्रकार अच्छी 352 रे नेशनल एमरजेंसी, 356 रे स्टेट एमरजेंसी एवं 360 रे फाइनेंशियल एमरजेंसी। यह आसी एमरजेंसी प्रोविजन टी आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आसी। एवं जिते बेले नेशनल एमरजेंसी लगी थाए से ही समय आमर फंडामेंटल राइट सस्पेंशन होते ताहा जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी। एमरजेंसी प्रोविजन टी आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु। सेमिति पब्लिक सर्विस कमिशन जमीती कि ओपीएससी, यूपीएससी सेमिति समस्त पब्लिक सर्विस कमिशन टी आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु। तापर नेक्स्ट देखिबा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। रूल ऑफ लॉ माने कौन रूल समस्त समान अटे। आपण दोष करती मुँ दोष करे बा जे मध्य भूल करे समस्त रूल्स समस्त समान अटे ता आसी इंग्लैंड बा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आमर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने कौन आमर पार्लियामेंट आमर देश प्रति उत्तरदायित्व होता है उत्तराधिकारी होता है ताहा कहा जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। तापर नेक्स्ट पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आमर प्रति आम देश गोटे प्राइम मिनिस्टर रो पोस्ट रसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। एवं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जमीती कि आम मिनिस्टर समस्त प्रकार मिनिस्टर अच्छा हेड था प्रधानमंत्री। यह आसी प्रोसेस टी आसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु। जमीती कि आम एजुकेशन मिनिस्टर था रेलवे मिनिस्टर विभिन्न प्रकार मिनिस्टर था प्रोसेस टी आसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु। तापर नेक्स्ट हूँ पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा जड़े स्पीकर रे पोस्ट टी आसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु। तापर नेक्स्ट हूँ बाइकैमेरियल पार्लियामेंट। लोक बाइकैमेरियल पार्लियामेंट माने कौन दुई सदन लोकसभा एवं राज्यसभा रहिबो एही प्रोसेस टी आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। तापर नेक्स्ट देखा अन्य कौन आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। लोअर हाउस मोर पावर मार पावरफुल देन अपर हाउस। अर्थात लोकसभा अधिक पावरफुल रहिबो राज्यसभा अपेक्षा। सेमिति आमर लेजिस्लेटिव असेंबली अधिक पावरफुल रहिबो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपेक्षा। यह प्रोसेस टी आसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु। एवं सेमिति सीएजी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यह पोस्ट टी आसी। तापर सीईसी सेंट्रल सॉरी चीफ इलेक्शन कमिशनर। सेमिति सीआईसी सेंटर इनफॉर्मेशन कमिशनर। सेमिति सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिशन। ये समस्त अटॉर्नी जनरल यही समस्त पोस्ट आसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु। सेमिति सिंगल सिटीजनशिप आम कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट थर्ड रे एवं आर्टिकल 5 रु 11 मध्ये लिखा है यह आसी इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु।
ଏକ ନାଗରିକତା ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ନାଗରିକତା ଅଛି ଏବଂ ସେମିତି ୟୁଏସ୍ଏରେ ଯେମିତି ଡବଲ ନାଗରିକତା ଅଛି ସେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗଲ ନାଗରିକତା ଅଛି। ଏହା ଆସିଛି ଇଂଲଣ୍ଡର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ରିଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ବା ରିଟ୍ ଆସିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ କି ଆର୍ଟିକିଲ 32ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମେରିକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ବା ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର 6ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ଆମର ଆର୍ଟିକେଲ 12-35 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ନେଇଛି ନିଆଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ। ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲଟି ମଧ୍ୟ ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆମର ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସିଟ୍ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ତାହାର କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ତାହା ସମସ୍ତ ନିଆଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏବଂ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଠାରୁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆର୍ଟିକେଲ 13ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଆମର ସେଣ୍ଟର କୌଣସି ଲ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଥାଏ ସେହିଭଳି ଲ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବ ବା ସେହି ଯଦି ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଲକୁ ସେ ଭଏଡ୍ ବା ନଲ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆର୍ଟିକେଲ 13ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଏହାର ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ବା ହେଡ଼୍ ହେବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକେଲ 61ରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କିପରି ହେବ ତାହା ବିଷୟରେ ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଆର୍ଟିକେଲ 124ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ବିଷୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ଏର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ବା ରୁଷିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ କୁହାଯାଏ ଆଗରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୋଭିଏତ ୟୁନିଅନ୍ ବା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍। ଏଥିରୁ ଆସିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି 11ଟି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଏହା ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ବା ରୁଷିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। 5-ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ରୁଷିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ରୁଷିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ଜାପାନର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁର ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ବାଇ ଲ ଯାହାକି ଆର୍ଟିକେଲ 121ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଜାପାନର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ଫ୍ରାନ୍ସର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି କନସେପ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫଟର୍ନିଟି ଏହା ଏହି ସମସ୍ତ ଆସିଛି ଫ୍ରାନ୍ସର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ରିପବ୍ଲିକ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫଟର୍ନିଟି ଆସିଛି ଫ୍ରାନ୍ସର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାନାଡ଼ାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟର ରିଲେସନ ଏହା ଆସିଛି କାନାଡ଼ାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କାନାଡ଼ାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜୁଡିକେସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କାନାଡ଼ାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହେବ ବା ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କାନାଡ଼ାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ତାପରେ ରେସିଡ଼ୋରି ପାୱାର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କାନାଡ଼ାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଏହା ବିଷୟରେ ଆମର ଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଥ୍ ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତି ବା ଏହା ବିଷୟରେ ବୋଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାଏ ଲ ବା ତାହା ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କରିଥାଏ ଏବଂ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ବୋଥ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆସିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ।
तापर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एवं कॉमर्स यहाँ आसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रो जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट दुईट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट यहाँ मध्ये आसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन रो। नेक्स्ट देखिबा जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन बा ए जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन को वेमर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहा जाए एथिरो कोन आसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ए प्रोसेस टी आसी जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रो बा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन रो एवं आम कॉन्स्टिट्यूशन रे तीन प्रकार फंडामेंटल राइट आमर इमरजेंसी अच्छे 352 आर्टिकल अनुसार आमर नेशनल इमरजेंसी 356 आर्टिकल अनुसार आमर स्टेट इमरजेंसी एवं 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी एवं यह समय रे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है आर्टिकल 20 एवं 21 केबे मध्ये सस्पेंड हो नथाय एवं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी यही प्रोसेस टी आसी जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रो। नेक्स्ट देखिबा आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन आसी प्रोसीडर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करो इलेक्शन प्रोसेस यह आसी आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो। नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा 12 जन मेंबर्स को नॉमिनेट करि थांते राज्यसभा रो प्रेसिडेंट यही प्रोसेस टी आसी आयरलैंड रो एवं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह आसी आयरलैंड रो आम कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट वीआई रे एवं आर्टिकल 36 रो 51 रे लिखा जाइछि डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय रे एवं एहाकु सर्वप्रथमे को उद्देश्य रे थिला स्पेन रे थिला स्पेन रे एवं स्पेन आनिथिला स्पेन रो आनिथिला आयरलैंड एवं आयरलैंड देश रो आमे आनिछु तेनो एहे प्रोसेस टे आछि आयरलैंड रो। नेक्स्ट देखबा साउथ आफ्रिका रो कोट आछि प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्थात आम प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आम 368 आर्टिकल अनुसार पार्लियामेंट पाखे अधिकार अच्छे कि से आम कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक फीचर को से अमेंडमेंट करिथाय एही प्रोसेस टी साउथ आफ्रिकार एवं इलेक्शन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा किपर इलेक्शन हो साउथ आफ्रिकार कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी फ्रेंड्स बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय आशा करछि आपण बुझि पारिथिबे सर्वमोट 11 सोर्स रु आसी 10 देशर एवं गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रु बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आसी आपण जदि बुझि पारिछन्ति ताहे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु वीडियो को एवं चलंतु आरंभ करिदबा किछ अल्प समय मध्ये जहा द्वारा कि आपण मने रखि पारिबे एही वीडियो को 2-3 टाइम्स आपण देखिले आपण मने रहि जइबो आपणक तेणु रिविजन करदे प्रथम देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कौन आसी फेडरल स्कीम आसी ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट प्रति राज्य जन गवर्नर ऑफिस रही कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियरी यह आसी इमरजेंसी प्रोविजन आसी पब्लिक सर्विस कमिशन आसी समस्त आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा इंग्लैंड बा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी रूल ऑफ लॉ आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यह आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यह आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा रो स्पीकर करो पोस्ट यह आसी इंग्लैंड रो बा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो बाइकैमिलियल पार्लियामेंट लोकसभा एवं राज्यसभा जमी अच्छी ता आसी इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आ कौन आसी लोअर हाउस इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस यह मध्य प्रोसेस टी आसी इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु एवं यह समस्त पोस्ट आसी कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिशनर यह समस्त पोस्ट आसी इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु सिंगल सिटीजनशिप यह आसी इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु रिट यह रिट आसी इंग्लैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रु लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर यह आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु। नेक्स्ट देखा यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी फंडामेंटल राइट यह आसी अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन रु पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट करो पोस्ट आसी अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन रु प्रीएम्बल यह आसी यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रु रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यह आसी यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रु एवं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन राज्यसभा राज्यसभा सीट किपर डिस्ट्रीब्यूट होते यह प्रोसेस टी आसी यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रु इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आमर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हे लेजिस्लेटिव एवं लेजिस्लेचर ठारु यह आसी जुडिशियल रिव्यू यह आसी
प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स यह आसी यूएसर कन्स्टिट्यूशन रु इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ए प्रोसेस आसी अमेरिकार कन्स्टिट्यूशन रु रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टर जज को एवं सुप्रीम कोर्टर जज को किपर रिमूव कर प्रोसेस अमेरिकार कन्स्टिट्यूशन रु नेक्स्ट देखा यूएसएसआर कन्स्टिट्यूशन रु रूसिया कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी फंडामेंटल ड्यूटी आसी फाइव इयर प्लान आसी सोशल इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल जस्टिस यही तीनोटे आसी रूसिया कन्स्टिट्यूशन रु नेक्स्ट देखा जापान कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यह आसी जापान कन्स्टिट्यूशन रु सेमती फ्रांस कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी एवं फ्रेटर्निटी यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन रु फ्रेंच कन्स्टिट्यूशन रु आसी नेक्स्ट हूँ कानाडार कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी सेंट्रल स्टेट रिलेशन फेडरल स्ट्रक्चर एडवाइजरी जुरीडिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर यह समस्त आसी कानाडार कन्स्टिट्यूशन रु नेक्स्ट देखा ऑस्ट्रेलिया कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी ऑस्ट्रेलिया कन्स्टिट्यूशन रु कॉन्करेंट लिस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट यह आसी ऑस्ट्रेलिया कन्स्टिट्यूशन रु नेक्स्ट देखा जर्मनी बा यूएमआर कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी समय फंडामेंटल राइट सस्पेंशन होता है यह जर्मनी कन्स्टिट्यूशन आसी आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को इलेक्शन प्रोसेस यह आसी नॉमिनेशन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा राज्यसभा 12 जन मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर आसी सहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह आसी आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन रु तेणु यह समस्त आसी आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन रु नेक्स्ट देखा साउथ आफ्रिका कन्स्टिट्यूशन रु कौन आसी प्रोसीड्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 आर्टिकल अनुसार आमर पार्लियामेंट पाखे अधिकार अच्छे कि से एमेंडमेंट कन्स्टिट्यूशन को बेसिक फीचर को यह साउथ आफ्रिकार आसी इलेक्शन ऑफ राज्यसभा यह आसी साउथ आफ्रिकार कन्स्टिट्यूशन रु आशा करुच्छे फ्रेंड्स आप बुझीपारे बोर्ड फीचर ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन विषय में आप जेकोसी एग्जाम दिखती यही चैप्टर रु क्वेश्चन आसी थाए कि यार आपण सिलेबस दे न था यह किंतु आसी थाए यही चैप्टर रु प्रति एग्जाम आसी थाए आपण जदि बुझीपारी लाइक करूँ और बुझी नपारी डिसलाइक करें आमर चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ तेणु थैंक यू आपड़ जब अगर समस्त क्लास देखी ना तो प्लेलीस्ट को यही आप देखिपारे प्लेलीस्ट समस्त चैप्टर क्लास करेणु थैंक यू।